वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं करुणानिधान भगवान की जय। जय राम रमैया की, जय कृष्ण कन्हैया की, जय राम रमैया की, जय कृष्ण कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की, यशोदा के छैया की, जय राम रमैया की, जय कृष्ण कन्हैया की। भक्तवत्सल भगवान की जय। माता कुंती भगवान श्याम सुंदर जब द्वारिका जाने लगी तब उनके सन्मुख आकर के बड़े विनम्र होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की मंगलमय स्तुति करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में माता कुंती की यही स्तुति है। बड़ा ही मधुर भाव है। कुंती माँ कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्वहिरवस्थितम् अंतर्वहिरवस्थितम्। सारे जगत के कण कण में, सारे जीवों के अंदर और बाहर आप ही तो विराजमान हैं। हे जगन्नाथ, आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं, जगत के स्वामी को प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य। महाराज, कुंती बुआ भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करते करते भगवान की माया को पहचान गई। कुंती बुआ कहती है कि मैंने आज आपको ठीक तरह से पहचान लिया। आप किसी को अपनी बुआ बनाते हो, किसी को अपना पिता बनाते हो, किसी को अपनी मैया बनाते हो, किसी को अपना भाई बनाते हो, किसी के सेवक स्वयं बन जाते हो, किसी के स्वामी बन जाते हो। आज मैंने समझ लिया नाथ, आप पुरुषम त्वाद्य। हे भगवान, आप इंद्रियों से नहीं देखे जाते, आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक बात यहाँ पर बड़ी विलक्षण है। कुंती कहती है कि मैंने आज आपको पहचान लिया कि आप जगदाधार जगन्नाथ हैं, आदि पुरुष हैं। आप जगत के स्वामी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा भी जिन्हें नहीं समझ पाते, भगवान शिव भी जिन्हें नहीं जान पाते, उन परब्रह्म परमात्मा को कुंती कहती है कि आज मैं अपने भतीजे को नहीं, जगत के स्वामी को प्रणाम कर रही हूं। भगवान के चरणों से प्रीति की यह महिमा होती है। जितना समर्पण भगवान श्रीहरि के चरणों में होगा, जितना प्रेम भगवान के नाम से होगा, भगवान की कथा से होगा, उसकी माया को हम समझ लेंगे और उसके दिव्य स्वरूप को हम जान लेंगे। भगवान का स्वरूप जो हम मूर्तियों में देखते हैं ऐसा भी है और एक दिव्य स्वरूप है। देखिए, भक्तों की इच्छा अनुसार भक्तवत्सल है ना, तो सभी रूप धारण कर लेते हैं, पर भगवान का जो दिव्य वपु है वह चिन्मय है, आनंद से भरा हुआ है, दिव्य तेजोमय है, दिव्य प्रकाश प्रकाशमय है। सूर्य में कितना प्रकाश होता है आप देखिए, पर सूर्य में बहुत भीषण गर्मी होती है,
पर भगवान का जो दिव्य प्रकाश है उसमें बहुत मिठास है, बहुत आनंद है, बहुत शीतलता है। और एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य की आभा प्रभा कांति बड़ा ही आनंदमय दिव्य स्वरूप है सरकार का। जब संतों का संग करेंगे, नाम का आश्रय लेंगे, कथा का आश्रय लेंगे, तब धीरे धीरे वह दिव्य पुरुष दिव्य भगवान का विराट स्वरूप हमारी समझ में आएगा। श्रीमद् भगवद गीता जी में एकादश अध्याय में अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। सारे देवता सिद्ध गंधर्व ब्रह्मा शिव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को वंदन कर रहे हैं। कुंती बुआ कहती है, आज मैं जगत के स्वामी को प्रणाम कर रही हूँ। पर भगवत प्रेमियों, भगवान को नित्य थोड़ी थोड़ी देर में प्रणाम करो, बार बार उनके चरणों का ध्यान करके शीश झुकाओ। हे प्रभु, आपको प्रणाम है, आपको दंडवत है, आपकी शरण में है। प्रणाम करते रहेंगे ना थोड़ी थोड़ी देर में, तो धीरे धीरे हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बस अब तो प्रभु चरणों में ही पड़े रहो। भैया, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। दूसरे श्लोक में बड़ा सुंदर भाव है माँ कुंती का। माया जवनिका छन्ना मज्ञाधोक्षजिमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती बुआ कहती है कि हे भगवान, अपनी ही माया के पर्दे से अपने को आप ढके हुए हैं। अब बताइए, मैं अबोध नारी आप अविनाशी परमात्मा को कैसे जानूं? भगवत प्रेमियों, जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाला आता है ना, वो मदारी जादूगर जिसे कहते हैं, वह उंगुलियां चला करके कठपुतलियों को नचाता है मंच पर। बहुत पतला धागा रहता है, गुलियां जैसे जैसे चलाता है वैसी कठपुतली चलती हैं। इसी तरह से इस सारे विश्व को, संसार को वह ही अपने इशारे से चलाता है। भैया, वही इस जगत को जन्म देता है, वही इस जगत का पालन करता है और वही संहार कर देता है। जैसे छोटा सा बच्चा खिलौना बनाता है, सवेरे से खेलता है दोपहर तक, शाम को जब घर में आने लगता है तो सारे खिलौनों को तोड़ फोड़ करके घर आ जाता है। तो कुंती माँ कहती है, नाथ, जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख करके भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप अपने बचाव के लिए कि मुझे जल्दी कोई समझ न सके, ये माया का पर्दा डाल रखे हैं। पर हाँ, आपके सानिध्य में, आपके चरणों में जो रहने लगते हैं ना, आपके नाम और कथा का जो आश्रय ले लेते हैं, वह आपको समझ लेते हैं, क्योंकि माया का पर्दा उनके सामने चल नहीं पाता है। तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्ये महिस्त्रियः। कुंती बुआ कहती है, परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां, अमलात्मनां यानी शुद्ध हृदय वाले जो विचारशील जीवन मुक्त परमहंस महापुरुष हैं, उनके हृदय में आपकी रसमयी भक्ति सदैव बनी रहती है। उनके हृदय में आपकी भक्ति
सदैव लहराने लेती है। लहराने का तात्पर्य है जैसे वृक्षावली, जब उसमें जल दिया जाता है तो पेड़ पौधे हरे हरे लहराने लगते हैं, ऐसे ही जब कथा रूपी जल, नाम रूपी जल से हम अपने भक्ति को, अपने प्रेम भाव को, अपनी श्रद्धा को सींचते हैं, तब हमारे हृदय में भी वो भक्ति हिलोरे लेने लगती है, लहराने लगती है। कुंती बुआ कहती है, जीवन मुक्त महापुरुषों के हृदय में भक्ति को सृजन करने के लिए, भक्ति देने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं। हम अल्प बुद्धि वाले लोग हैं और एक स्त्री जाति हूं मैं, आपके दिव्य स्वरूप को कथम पद से कैसे जान सकती हूं, भक्ति योग को मैं कहां समझ पाती हूं। कितनी दैन्यता है कुंती बुआ के अंतःकरण में। पांडवों की मां है, पांडु की पत्नी है महाराज, जिसके संकल्प करने से बड़े बड़े देवता प्रकट हो जाएं, बहुत तपस्विनी नारी है, वीर माता है, साहसी माता है। पांडवों की मां कोई साधारण तो हो नहीं सकती है। वो कहती है, हे नाथ, बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस, ये महापुरुष आपके चरणारविंदों की उपासना में तदाकार हो जाते हैं, तो इन्हें भक्ति रस का आनंद देने के लिए आप प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। मैं स्त्री भक्ति योग के विषय में, भक्ति के विषय में तो बस भक्ति भक्ति ही कहती हूँ, कुछ जानती तो हूँ नहीं। ऐसी हम लोगों की स्थिति है भाई, भाव भक्ति श्रद्धा बस इन शब्दों को रट लिए हैं। परमात्मा के निर्मल भक्ति हृदय में जब आती है तो व्यक्ति की वाणी मौन हो जाती है, नेत्र बरसते हैं, नेत्र बताते हैं कि हृदय में प्रेम भरा हुआ है। इसलिए इन कानों को भगवान की कथा सुनने में, इन नेत्रों को तीर्थ दर्शन, भगवान के जो दिव्य श्री विग्रह हैं उनके दर्शन में, भगवत प्रेमियों के दर्शन में, भक्तों के दर्शन में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति का जन्म होगा। जीवा को भगवान नाम में एकीकार कर दें, भगवत कथा में एकीकार कर दें। कुंती बुआ कहती है, भगवान आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदनाय च, देवकी नंदन नंद गोप कुमार आए, नंद गोप के लाडले लाल, हे गोविंद आपको नमो नमः, हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकज नाभाय, आपकी नाभि से ही ये कमल प्रकट हुआ है। देखिए, जितने भी पुष्प हैं, जितने भी वृक्ष हैं संसार में, जितना भी दृश्य अदृश्य दिख रहा है, ये सब ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं, पर कमल को भगवान नारायण ने ही प्रकट किया है और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो वही कुंती बुआ प्रणाम करते हुए कह रही है, नमः पंकज नाभाय।
जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। नमः पंकजमालिने, जो सुंदर कमलों की माला धारण किए हुए, कमल पुष्पों की माला बहुत प्रिय है भगवान को। कमल पुष्प मिले तो भगवान को अर्पण करना चाहिए, वैसे तो सभी पुष्प प्रिय हैं, पर कमल का अपना एक अलग ही आनंद है। कमल पुष्प को उलट करके चढ़ाया जाता है, ऐसी शास्त्रीय परंपरा है, क्योंकि कमल को भगवान ने ही प्रकट किया है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में, भगवान नारायण की पूजा में, मां जगदम्बा की पूजा में कमल पुष्प को उलट करके अर्पण करना चाहिए। जो पुष्प जैसे खिलते हैं वैसे ही चढ़ाना चाहिए, पर कमल को उलट करके चढ़ाना चाहिए। नमः पंकज नेत्राय, आहा, भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान विशाल नेत्र हैं। नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। और महाराज, हमारे गोविंद की जो चरण हैं, वो चरण भी कमल से सुंदर कोमल है, कमल का सुंदर चिन्ह भी बना हुआ है। ऐसे श्याम सुंदर मुरली मनोहर बांके बिहारी को मेरा बारंबार प्रणाम है, हमारा भी प्रणाम स्वीकार करे गोविंद। ये दो श्लोक नित्य पाठ करना चाहिए, इससे भगवत प्रेम मिलता है, भगवत भक्ति मिलती है, गोविंद बहुत प्रसन्न होते हैं। दो श्लोक में पुनः बोल देता हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये, नमस्ते पंकजांघ्रये।